very easy to control, very easy to maneuver, and you have plenty of torque all around the rev range, so that's great. And as you can see, I just crossed 80 within city limits, so that's pretty nice. I don't want to. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Avishkar, and आज हम करने वाले हैं in detail ride review of the brand new Royal Enfield Himalayan Scram 411 का. तो इसका कुछ दिन पहले मैं एक first ride review लाया था, जिसमें मैंने इसका एक initial impressions share किया था, and उसके साथ मैंने इसका एक friendly comparison या फिर आप बोल सकते हैं differences बताए थे इसके बीच and Himalayan के बीच. So आज के इस वीडियो में वो सारी वीडियो को मैं compile करने वाला हूँ, एक exact review बताने वाला हूँ कि क्या आपको ये Scram 411 लेनी चाहिए या नहीं. So वीडियो के अंत तक बने रहिए, ये रही चाबी, and let's start with riding. So let's first hop onto the bike. So this is the key, and जैसे ही आप सबसे पहले बैठेंगे, the first thing that you will immediately notice is a brand new digital console, digital plus analog to be precise. This is a traditional Royal Enfield key. You just have to put it, and you have a very new digital console plus analog console welcoming you. So ये जो है, ये आई नो हिमालयन जितना इन्फॉर्मेटिव नहीं है, बट दिस डू गेट्स द जॉब डन, बिकॉज आपको इसमें स्पीडोमीटर मिलता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है, ट्रिप एफ मिलता है. ट्रिप एफ मीन्स कितना फ्यूल आपने रिजर्व के बाद चला लिया है, कितना किलोमीटर्स. ओडो, ट्रिप ए, ट्रिप बी दोनों मिल जाएगा आपको. उसके साथ आपको टाइम, फ्यूल गेज वगैरह दिख जाता है, एंड इंजन मैल फंक्शनिंग लाइट. दिस डू कम्स विद अ डुअल चैनल एबीएस स्टैंडर्ड के साथ आता है ये, एंड स्क्रैम 411 आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा. फ्रंट एंड में भी है, टैंक भी काफ़ी अच्छा है, वेरी सिमिलर टू द हिमालयन. हैंडल बार इज़ वेरी ऑल्सो वेरी सिमिलर टू द हिमालयन. मिरर्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हिमालयन से कॉमन है, बिकॉज अगेन नाम में हिमालयन है, इट्स जस्ट क्रैम 411, तो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं उसका एक जुड़वा भाई बहन कह सकते हैं. सो अभी हम करते हैं गाड़ी को चालू, एंड एक जो चीज़ आप देखेंगे, हैजार्ड लाइट जो स्विच है, ये इन्हें रिटेन किया है रॉयल एनफील्ड ने, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग इन माई ओपिनियन. एंड दिस इज़ अ ऑल टेरेन मोटरसाइकिल, कम्स विथ स्पोक व्हील्स एंड वेरी गुड ऑफ रोड कैपेबिलिटी लाइक द हिमालयन. सो वे जगह इसको ना वेट फॉर द ट्रैफिक, ओके, सो गुड टू गो. And that's a wonderful performance, wonderful pickup, wonderful pickup. And this 411cc engine is just pretty refined, very similar to the Himalayan. Again, Himalayan ka almost same engine lagaya hua hai isme. एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है, 24 के आसपास आई थिंक इसका BHP है, 32 या 34 NM टॉर्क है इसमें, एंड काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है. सो नॉट लाइक जैसे 4-5 साल पहले था कि रॉयल इनफील्ड के इंजन जो थे इतने ज़्यादा रिफाइंड नहीं थे. येस, इट डजेंट हैव दैट ट्रेडिशनल रॉयल इनफील्ड थम्प, बट दिस इंजन इज़ प्रीटी रिफाइंड, यू हैव दैट प्लेंटी ऑफ थम्प ऑल्सो. एंड दिस बाइक ऑल्सो इज़ वेरी इजी टू मनूवर इन द सिटी ट्रैफिक लाइक पुणे, एंड अगर आप मेट्रो सिटी में कोई बड़े रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, तो भी आप आई थिंक मैनेज कर सकते हैं. हैंडल बार वाइड है, सिटिंग पोस्चर काफ़ी 90 डिग्री पे है, सो इट्स वेरी कंफर्टेबल फॉर यू टू मैनेज दिस इन द सिटी ट्रैफिक ऑल्सो. लॉन्ग क्रूज के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है. फ्यूल टैंक कैपेसिटी स्टिल एट 15 liters आई गेस. एंड हियर गोज द ट्रैफिक, सो वी आर प्रोबेबली गोना टेक अ यू टर्न फ्रॉम हियर सो दैट वी गेट अ ओपन वाइड रोड, तो थोड़ा और परफॉर्मेंस हम इसका चेकआउट कर लेंगे. And mirrors are giving you a very good view of what's happening behind. And the brakes are performing pretty nice. No complaints in regards to braking. Suspension also is very similar to the Himalayan, so no complaints there also. So let's throttle. This you can do gear matching, yeah, rev matching on this motorcycle as well, which I am right now doing. And
very easy to control, very easy to maneuver, and you have plenty of torque all around the rev range, so that's great. And as you can see, I just crossed 80 within city limits, so that's pretty nice. I don't want to go above 100 because it's not safe inside the city. And as you can see, there are plenty of cars besides me. Suspension also is working pretty nice. And this engine is quite refined, and this has that, you know, high revving capability inside it, so that's very good. And brakes are amazing. So itna rash jo bol sakte hain aap, ya aisa maniac jaisa jo bol sakte hain, wo bhi chalane ke baad bhi you won't feel a bit, because brakes are there to help you out, and pretty nice brakes. And this is a very very modern motorcycle. So iska jo price hai, I think 2.07 lakhs ek showroom Pune hai. Chennai ka I think 2.03 lakhs hai, so it totally varies depending on the state and city you are living in. So and obviously on road price bhi alag alag RTOs mein alag alag rehta hai, but I think in the segment 2.5 lakh ke andar, one of the most desirable motorcycle I guess for the young crowd like me, because गाड़ी जो है काफ़ी मॉडर्न है, दिखती भी है, चलाने में भी मॉडर्न है, एंड परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है, एंड वेरी इजी टू कंट्रोल ऑल्सो. सो इसका जो एक और चीज़ थोड़ा सा डेप्रिशिएट कहूँगा मैं जो हुआ है, दैट इज़ द ग्राउंड क्लियरेंस. सो हिमालयन में इट वॉज 220 mm, एंड दिस बाइक गेट्स अ 200 mm ग्राउंड क्लियरेंस, विच इज़ नॉट बैड आई इन माई ओपिनियन. दैट विल बी इनफ फॉर मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोड्स पर ना जा रहे हो. सो वो एक चीज़ है, एंड उसके साथ ओवरऑल गाड़ी के एस्थेटिक्स एकदम ज़बरदस्त देखने के लिए मिलेंगे आपको. सो सामने की तरफ आपको जो हेडलाइट सेक्शन है उसके ऊपर जो रॉयल इनफील्ड एंड ये जो स्क्रैम का बैजिंग दिया हुआ है, दैट लुक्स फिनोमिनल इन माई ओपिनियन. यू हैव प्लेंटी ऑफ कलर वेरियंट्स टू चूज फ्रॉम, एंड यू हैव दैट यू नो रेड कलर, ब्लैक कलर, एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ कलर्स टू चूज विद. प्लस ऑन द बैक एंड ऑल्सो दिस लुक्स वेरी सिमिलर टू द हिमालयन, ऑब्वियसली बिकॉज हिमालयन इज द name is in the name, so Himalayan Scram 411. But I think if you compare it to the other motorcycles in this price range, which are the direct competition is obviously the ESD Scrambler. Scrambler kafi alag dikhti hai ESD ki, but I am not very sure about how the engine's gonna perform in long term, because usme mere ko lack of refinement thoda sa feel hua tha when maine matlab jab maine chalaya tha usko kuch I think hafto ya mahino pehle, जो इस गाड़ी में नहीं है. सो रॉयल इनफील्ड हैज़ डन अ फैबुलस जॉब इन टर्म्स ऑफ इंजन रिफाइनमेंट, एंड जो इंजन रिलायबिलिटी रहती है उसमें भी. सो ऐसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. या इनिशियली हिमालयंस को काफ़ी ज़्यादा कोन सेट का इशू आया था, बट दैट इशू गॉट रिजॉल्व आई थिंक 2-3 साल पहले ही रिजॉल्व हो चुका था जब वो. तो अभी मैंने काफ़ी कम लोग देखे हैं जो कोन सेट से रिलेटेड कंप्लेंट्स करते हों. सो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ लगी मेरे को. एंड उसके साथ वॉट एल्स टू टॉक इज़ द कम्फर्ट. सो राइडर कम्फर्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इस गाड़ी का, सो नो कम्प्लेंट्स ऑन दैट ऑल्सो. प्लस पिलियन कम्फर्ट हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड, रीज़न बींग कि हिमालयन में आपको स्प्लिट सीट देखने के लिए मिलती थी. सो आगे के लिए एक सीट था, पीछे के लिए एक सीट था, बट इन द स्क्रैम इट इज़ अ सिंगल सीट. जस्ट आपको इंक्लिनेशन देखने के लिए मिलेगा पीछे, सो देर इज़ प्लेंटी ऑफ स्पेस टू यू नो मूव अराउंड वैन यू आर डूइंग ऑफ रोड एंड यू नो लॉन्ग टूर, सो दैट्स देयर. Also, switchgear quality is pretty nice. Plus, this bike looks like when you ride it, it feels like a big bike. Obviously, because it's a all-terrain motorcycle, so all-terrain motorcycles road pe thoda zyada road presence hota hai unka. Very similar to riding a Fortuner on the road. दैट्स दे. सो आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन मिलेगा इस गाड़ी को चलाते हुए. इफ़ यू आर फुली गेयर्ड अप, विच राइट नाउ आई एम नॉट, आई एम जस्ट वेयरिंग अ हेलमेट बिकॉज आई एम इन द सिटी लिमिट्स. सो अगर आप फुली गेयर्ड हैं तो आपको ज़बरदस्त वाला अटेंशन मिलने वाला है इस गाड़ी पे. सो नो कंप्लेंट्स देयर. एंड फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें हम, जो हम माइलेज बोलते हैं, कितना देती है उसके हिसाब से. सो गाइज, इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई दिस, यू आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू थिंक टू मच अबाउट द फ्यूल एफिशिएंसी, बिकॉज यू विल गेट, if you ride like a maniac also you will get more than 25 kmpl, 25 to 30 kmpl real time mileage I'm talking about. But if you ride very carefully, like as a gentleman to be precise, and if you ride like maintaining the speeds
60, 70, 80 on the highways, and maintaining your bike properly, getting it serviced every now and there, then you can probably stretch it up to 32-33 km/h. And highway pe aapko you can expect 30-35 km/h ke beech mein, depending upon again the service duration and how you ride it. So majority of the users, the mileage will vary depending on how you ride the motorcycle. That's the biggest difference. And overall switchgear quality also is pretty nice. Gaadi ka look jo hai, jo feel hai, jo riding experience hai, wo bhi kaafi behtareen hai. And ground clearance wagera mein bhi sab jagah tick mark hai. Seat height jo main bolna tha, seat height is only 795 mm, which is quite good for anyone who's above 5'4" in my opinion. So just for the reference, I'm 5'11 in height, weighs around 65 kg, and this bike is perfect for me. I can just, you know, even if it's a Royal Enfield, it's it should be close to above 180 kg, if I'm not wrong. I'll let you know in this part of the video kya exact weight hai iska, but still doesn't feel too heavy because the seat height is pretty low, so aap isko aaram se control kar sakte hain. And if I can do it, anyone can do it. So that's it. So now we'll head back to the showroom. That's Dhone Automobile, Yeravada, which is on the Nagar Road, by the way. Bhai sahab, wrong way, chacha. So there's the showroom, and okay, so we'll just take the bike upstairs. So that was fun. Okay, so your trip starts here.